Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are will be fine. Today I will teach you about sound of N. So let us start with the name of Allah. Now look at here. Which sound is this? N. N. Nest. N. Nest. Nest means ghonsla. Nest means ghonsla. N. Net. N. Net. Net means jali. Net means jali. Which sound is this? N. N. Net. N. Nest. N. Net. How we write N? Center two lines. How we write N? Center two lines. N is a grass letter. Which letter? Grass letter. N is a grass letter. It is a silent exercise. ये exercise आपने बिल्कुल खामोश रहकर करनी है, ठीक है? Now make a two finger. Now make a two finger and press. Nest. Net. It's how we write center two lines. Is a grass letter. Which letter? Grass letter. Okay. अब मामा आपको इसी तरह एक पेपर पर लिख के देंगी, देन पिक्चर्स बना के देंगी, ठीक है? तो आपने इसी तरह ये एक्सरसाइज अपनी फिंगर्स से करनी है. किससे करनी है? अपनी फिंगर्स से. जिस तरह टीचर ने आपको करके बताया, आपने एज इट इज़ इसी तरह करना है, ठीक है? पहले आप फिंगर से ट्रेसिंग करेंगे, देन इसके बाद आप पिक्चर में कलरिंग करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़. स्टे होम, स्टे सेफ. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है टीचर को कि आप लोग भी खैर खैरियत से होंगे. मैं अम्मा फाउंडेशन स्कूल की टीचर हूँ, नर्सरी क्लास की. आज हम कौन सी किताब में काम कर रहे हैं? आज हम हमारी उर्दू अमली किताब में काम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? अब आप किताब उठाएं और सफ़ा नंबर निकालें, जिस सफ़े पे हमें आज का काम करना है. सफ़ा नंबर है आज का सफ़ा नंबर 43. पेंसिल फेरें. ये कौन सा रूफ है? ये डाल है. कौन सा रूफ? डाल. डाल खाली. अब आप भी पेंसिल उठाएं और टीचर के साथ काम करना शुरू कर दें. जिस तरह टीचर कर रही है, आपको भी इसी तरह करना है. और टीचर आपको कौन सा रूफ लिखना सिखा रही है? टीचर आपको डाल लिखना सिखा रही है. कौन सा रूफ? डाल. दाल से क्या आता है? दाल से दीवार आती है. और आपको पता है दाल से क्या आता है? दाल से दरवाज़ा भी आता है. अब हम कौन सा रूप लिखेंगे? अब हम दाल लिखेंगे. दाल के ऊपर क्या आता है? दाल के ऊपर छोटी तुएँ आती है. और आपको पता है दाल से क्या आता है? दाल से डबल रोटी आती है. क्या आता है? डबल रोटी. दाल. दाल के ऊपर छोटी तुएँ. दाल से डब्बा भी आता है. और क्या आता है? डब्बा. दाल. दाल के ऊपर छोटी तुएँ. अब हम कौन सा रूफ लिखेंगे? अब हम जाल लिखेंगे. जाल के ऊपर कितने नुक्ते आते हैं? जाल के ऊपर एक नुक्ता आता है. कौन सा रूफ है? जाल. जाल के ऊपर एक नुक्ता. जाल से क्या आता है? जाल से जखीरा आता है. जाल. जाल के ऊपर एक नुक्ता. जाल के ऊपर कितने नुक्ते आते हैं? एक नुक्ता. जाल. जाल के ऊपर एक नुक्ता.
जिस तरह टीचर ने काम किया आपको भी इसी तरह बिल्कुल अच्छे से काम करना है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है टीचर को कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है, कि मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो के साथ। अब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर रीडिंग 1000 वर्ड्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन अवर बुक, विल ओपन अवर बुक पेज नंबर 68, पेज नंबर 68, एंड आवर टॉपिक इज वाटर ट्रैवल। आवर टॉपिक इज वाटर ट्रैवल। वाटर ट्रैवल, बहरी सफ़र करना। फेरी, 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 कश्ती में सफ़र करना। किराए पर चलने वाली कश्ती। सेल, 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 बादबानी कपड़ा। लाइफ बॉय, लाइफ बॉय, लाइफ बॉय, सहारे या रहबरी के लिए पानी पर तैरता। ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल। शिप, शिप, शिप मीन्स समंदरी जहाज। स्पीड बोट, स्पीड बोट, तेज रवि के लिए बनाई गई मोटर बोट। अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास नर्सरी की इस्लामियत की टीचर। आज हम इस्लामियत में कलमात खैर की दोहराई करेंगे। कलमात खैर जो कि हमारी इस्लामियत की किताब सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद है। तो आए बच्चों, सफ़ा नंबर 19 खोलते हैं। सफ़ा नंबर 19, कलमात खैर। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते वक्त कहें अल्हम्दुलिल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते वक्त कहें अल्हम्दुलिल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। किसी की तारीफ़ करते वक्त कहें माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा। किसी की तारीफ़ करते वक्त कहें माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा। ये थे हमारे कलमात खैर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपकी क्लास नर्सरी की अरबिक की टीचर। आज हम अरबिक में याद करेंगे अत्वाएर। अत्वाएर, परिंदों के नामों को कहते हैं। गुराबून कव्वा, गुराबून कव्वा, कव्वे को अरबिक में कहते हैं गुराबून और उर्दू में कव्वा। तऊसून मोर, तऊसून मोर, मोर को अरबिक में कहते हैं तऊसून और उर्दू में मोर। ये थे हमारे अत्वाएर यानी परिंदों के नाम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।